हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं मनाली में हूँ और हम पकड़ फिल्म के सॉन्ग के शूट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सॉन्ग हम कर चुके हैं और सॉन्ग करके हम लोग अभी बैठे हैं, मैं और उत्तर जी और हमारी पूरी टीम। टीम के बाकी लोग दूसरी लोकेशन पे फोटो शूट के लिए गया हुआ है। कोई चाय बना रहा, कोई कुछ और कुर्सी गई और और मेरे साथ है उत्तर जी, तो हेलो वो दोस्तों, बात करेंगे। तब तक मैं वहाँ जो सामान नीचे गिरा उठा लूं। हेलो दोस्तों, हम लोग गाना पूरा करने के बाद अब जो है यहाँ सीख रहे हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने आग जलाई हुई है और बहुत देर हो गई है सीखते हुए। अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठना भी, क्योंकि यहाँ से सामने बड़ा व्यू है और चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं आप। यहाँ बहुत ही गजब का है, देखिए, और इधर से भी ये देखिए तो बहुत अच्छा व्यू है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंजॉय और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठंड बहुत है क्योंकि बर्फ़ गिरी है, तो ठंड तो होगी लेकिन फुल इंजॉय। और यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे नहीं आएगा। और फुल जब हमने शुरू किया था तो ऐसा नहीं था, उस टाइम पूरी बर्फबारी और बारिश के साथ बर्फबारी हो रही थी और हमने लेकिन उसी में कोशिश की थी शुरू किया तो भगवान को भी ठीक लगा शायद, उसने तुरंत से बारिश रोक दी। हाँ। फिर बर्फबारी भी कम हुई और धूप भी निकली फिर बीच में, और उसके बाद तो काम जो चला तो काम फिर चलता ही रहा, रुका नहीं। और हमारा सॉन्ग कम्प्लीट हो गया है और आग हम लोग सेक रहे हैं। बहुत ठंड हो रही है, चाय बनने के लिए गई हुई है अभी चाय पियेंगे। और बहुत सुंदर नज़ारा है मनाली का, देखिए पूरे में बर्फ़ गिरी है। कोई और भी आए हुए हैं एक भैया, तो आप देख सकते हैं कल तो पूरा दिन मनाली में स्नोफॉल हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, और हम लोग हमारी गाड़ी वहाँ रोड में फंसी हुई थी और कई किलोमीटर का जाम था, बहुत लंबा जाम था। पूरा दिन हमारा उसमें ही गुजरा शाम तक। और जब वापसी चले तो गाड़ियाँ रपट रही थी, बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ। क्योंकि गाड़ी अपने कंट्रोल में नहीं थी और गाड़ियाँ इधर उधर गिरने का भी डर था, यहाँ एक दूसरे से टकराने का भी डर था, पहाड़ी में लगने का भी डर था। और काफी दूर तक तो हमारी गाड़ी भी रपटी दो बार तो आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। हमारे हाथ में कुछ नहीं था, खुद ही जाके रुकी है, फिर हमने उसको कंट्रोल किया, चले हैं धीरे धीरे लेके उसको, और बहुत स्लो लेके आए हैं। और हम जितना हम जानते थे उसके हिसाब से ड्राइविंग कर रहे थे। फिर एक भाई ने हमें और थोड़ी सी टेक्निक बताई, मैं आपको बता देता हूँ कि उसने हमें बताया कि यहाँ एक्सीलेटर का यूज़ मत करो, सिर्फ ब्रेक और क्लच का यूज़ करो तो आपकी गाड़ी ज़्यादा रपटेगी नहीं। तो हमने फिर वही किया, एक्सीलेटर नहीं किया उतारने में, चढ़ाने में तो खैर मजबूरी होती है, एक्सीलेटर का प्रयोग नहीं किया और ब्रेक और क्लच का ही यूज़ किया, तो फिर गाड़ी रपटी नहीं है और अच्छे से आई है, लेकिन बहुत गाड़ियाँ रपट रही। और यही बात फिर आगे हम लोगों ने कई लोगों को बताई, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ रपट रही थी, हमसे आगे भी कई गाड़ियाँ रपटी और एकदम कॉर्नर पे जाके टक्कर लग गई। फिर उसमें से काफी लोग उतर के उसको सीधा कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा मेहनत मतलब लोगों की लग रही थी। लोग बहुत डरे भी हुए थे, मैं देख रहा था कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि भाई उनकी गाड़ी रपट रही है, और उनके चेहरे पे डर देखते दिख रहा था कि बहुत डरे हुए हैं। बाइक में जो फैमिली के साथ थे, एक दो लोग जो अपनी वाइफ के साथ या किसी के साथ भी थे, वो भी बहुत देखा मैंने, कुछ लोग डरे हुए थे। तो हाँ। वो लेडी नीचे पैदल चल रही थी और वो कहते कि बैठ जाओ, तो वो नहीं ऐसे चलते हैं, तो वो पैदल चल रही थी और उनको बहुत दूर तक हमने देखा कि वो, क्योंकि हम आगे जाके रुके जैसे, तो वो लोग वहाँ तक भी ऐसे ही पैदल आ रहे थे। तो और बहुत सारे लोग ऐसी भीड़ में भी एंजॉय भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जाम में के बावजूद भी अपनी गाड़ियों के डैग चला के डांस कर रहे थे, और जिस तरह भी एंजॉय कर सकते हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब लोग लगे हुए थे, कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। क्योंकि सब लोग आते तो यहाँ मोस्ट ऑफ विजिटर्स एंजॉय के लिए ही हैं, तो वो एंजॉय कर रहे थे अपना अच्छे तरीके से। और जो हमसे मिले कुछ लोग जो जिन हमारी फिल्म देखते हैं, हमारे एरिए के हैं, हमारे जहाँ जहाँ तक हमारी फिल्में जाती हैं वो मिले,
उन लोगों ने हमें देख के काफ़ी एक्साइटमेंट भी हुआ, फ़ोटो खिंचाए और बहुत ही मतलब साथ तक भी दूर दूर तक भी गाड़ियाँ जाम में थी तो साथ चलने की भी कोशिश की। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। और मनाली है, इतनी खूबसूरत जगह है, तो कोई जाम वाम नहीं देखता, फिर भी लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। बहुत ही क्राउड मतलब यहाँ अनलिमिटेड लोग आ रहे हैं, बहुत मतलब। और डेली यहाँ पर ऐसा ही होता है कि मेरा हाथ थक गया कि बहुत सारा क्राउड आता है। अभी भी मैं देख रही हूँ सामने तो जाम लगता जा रहा है। और हाँ, बहुत जाम लगता जा रहा है। हम लोग एकदम अपोजिट साइड है, काफी जाम अब हो गया है। हाँ, तेरा वीडियो भी देखिए। तो दोस्तों, जब गाना आ जाएगा पकड़ फिल्म का, जल्दी सी ये गाना आने वाला है, तो आप तो हमने गाने का नाम तक भी डिसाइड नहीं किया है तो लेकिन बहुत प्यारा सॉन्ग है। पकड़ फिल्म का गाना है, पकड़ हमारी फिल्म आ रही है, फिल्म शूट हो चुकी है, ये गाना ही था। थोड़ा सा पैच वर्क बचा हुआ, 2-3 दिन की शूटिंग, वो भी जाके करेंगे। तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही कॉमेडी है उसमें, मतलब इतनी कॉमेडी हमारी किसी फिल्म में अभी तक नहीं आई होगी जितनी कॉमेडी उसमें है। आपको बहुत पसंद आएगी बहुत ज्यादा, आप हंसोगे, पेट पकड़ के हंसोगे और हंसते हंसते परेशान भी हो सकते हो, हंसते हंसते आंसू भी आ सकते हैं, लोटपोट भी हो सकते हो। और ये दो गाने बहुत अच्छे हैं, गाना आज रिलीज हुआ है, अच्छा लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स हाँ। बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सभी लोग देखिएगा। और ये है, तो दोस्तों जरूर देखिएगा, जैसे ही पकड़ का हमारा ये सॉन्ग आएगा फिर हम आपको अपडेट कर देंगे। और पकड़ फिल्म फरवरी में रिलीज हो जाएगी और राजलक्ष्मी म्यूजिक पे ये गाना आपको दिखेगा, राजलक्ष्मी म्यूजिक पे गाना दिखेगा और राजलक्ष्मी चैनल पे फिल्म आएगी, तो देखिएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि ये हमें भी, हम खुद शूट कर रहे हैं लेकिन शाम को कोशिश करते हैं कि हम भी उन सीन्स को बार 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 बार, जब हम शूटिंग पे थे तो डेली हमारी यूनिट उन सीन्स को देखने आती थी कि भाई वो सीन दिखा दो, वो सीन दिखा दो। तो आप जरूर देखिएगा पकड़ पकड़ तो बाय बाय बाय।